अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामीज क्लिनिक। आज एक सिम्टम है, सिम्टम ये है कि रात को अचानक हमारा सांस क्यों बंद हो जाता है। बहुत से पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस वक्त हम रात सोने के लिए जाते हैं तो हमारा सांस बंद हो जाता है, तो फौरन डर के हम उठ के बैठ जाते हैं कि हमारा सांस क्यों बंद हो रहा है, कहीं हम मरने का टाइम तो नहीं आ गया, कहीं हम मरने तो नहीं लगे। तो ये एक छोटी सी अलामत है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी बड़े रीजंस हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से रात को सोते में अचानक आपको ऐसा फील होता है कि आपका सांस बंद हो रहा है और खौफ से आप उठ के बैठ जाते हैं। अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। रात को सोते में हमारा सांस क्यों बंद हो जाता है, तो इसके पीछे रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सांस बंद हो रहा है तो आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर कोई इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर बलगम म्यूकस क्रिएट हो रहा है। जिस वक्त आप सोने के लिए जाते हैं तो आपकी जो ट्रेकिया है उसके जो मसल्स हैं वो लूज होते हैं, और लूज होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका सांस रुक रहा है। इसका जो फर्स्ट रीजन है वो आपके लंग्स इन्फेक्शन है, आपकी चेस्ट कंजेशन है। उसके बाद इसका नेक्स्ट रीजन है आपके टॉन्सिलाइटिस। अगर आपके टॉन्सिल्स आए दिन भर जाते हैं, आपका गला आए दिन खराब हो जाता है, तो इसकी बिग रीजन है कि जिस वक्त आप सोने के लिए जाएंगे तो आपकी बॉडी के तमाम मसल्स रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स होने की वजह से अक्सर पेशेंट आके ये कंप्लेन, वायरल इन्फेक्शन हो रही है, कोई बैक्टीरिया आपके अंदर जा चुका है जो पूरी की पूरी तबाही मचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। होता क्या है कि बहुत सारी डिजीज के बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज वायरस हमारे अंदर दिन रात रूटीन में चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको दबा के रखता है, उनको हमारी बॉडी के ऊपर हैवी होने नहीं देता। और जिस तरह ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो वो वायरस, वो बैक्टीरिया हमला कर देता है और आप उस डिजीज में सफर हो जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट रीजन है वो स्मोकिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं या आपका हल्का अहबाब ऐसा है जहाँ पर दिन रात स्मोकिंग होती है, आप उस स्मोक के असर में हैं, तब भी आपकी रेस्पिरेशन तंग होने लगेगी, रैपिड होने लगेगी, सांस चढ़ने लगेगा, बात करते में, चलते में और सोते में रुकने पर चेंज योर लाइफस्टाइल, तो आपकी जान छूट जाएगी रात को सांस बंद होने से। और वो कौन सी अलामत हैं जिनको आपना फौरन इन अलामत के आते ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले उसको देखते हैं कि अगर आप स्मोक में जाने की वजह से आपका गला खराब हो रहा है, आपको रही है, रेस्पिरेशन कम हो रही है, तो आप स्मोक में जाने से गुरेज करें। अगर नहीं मुमकिन तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसी मजलिस में रहते हैं जहां बहुत स्मोकिंग होती है आपके इर्द गिर्द, तो आप कोशिश करें जिस वक्त स्मोकिंग बहुत हो रही है आप उठ के बाहर चले जाएं। अगर आपका टॉन्सिलाइटिस हो जाता है हर थोड़े दिनों के बाद, तो आप वो मेडिसिन लेते रहें और उन चीज़ों से बचें। कुछ लोगों का अचार खाने से, ठंडा पानी पीने से, शाउट करने से, बोलने से गला ख़राब रहता है, तो उन चीज़ों से इज्तनाब करें। ये तो सिम्टम्स। अब आते हैं सीरियस सिम्टम्स की तरह। सिम्टम ये हैं कि अगर आपको अचानक सोते में लेफ्ट साइड पे आपको पेन स्टार्ट होती है, आपके स्टमक में भी पेन होती है, वो पेन आपके ऊपर गर्दन से जाके आपके जबड़े तक आ रही है और पूरी बाजू में जा रही है, और उसके बाद आपको नौजिया, दिल खराब, मतली होने लगती है और वॉमिट भी स्टार्ट हो जाता है, तो इट्स मीन कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। तो इन सिम्टम्स को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, आपने फौरन से पहले हॉस्पिटल जाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनको ये सिम्टम्स बतानी है। अल्लाह करे कि ये सब सिम्टम्स, ये सब कुछ गैस की वजह से ही हो, लेकिन बहुत से वो सिर्फ गैस समझते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्शियस रहना है और डॉक्टर के पास जाना है। आई होप सो कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।